ॐ श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की, क्योंकि नारद जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य था और जगत जननी माता को उस पर पूर्ण विश्वास था। जब से सती ने शरीर का त्याग किया था तब से भगवान शंकर के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। वे दिन रात भगवान रामचंद्र जी का ही स्मरण करते रहते थे। वे कहीं भी जाते, मुनियों से मिलते, हर जगह भगवान राम के ही चरित्र का गुणगान करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दिन रात उनका प्रेम जो है वो निरंतर बढ़ता ही गया। उनकी अनन्य जो भक्ति थी वो भी भगवान राम के प्रति अटल होती चली गई। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। जब भगवान रामचंद्र जी ने देखा कि शंकर भगवान जो है वो तो दिन रात मेरे ही गुणों का गान करते रहते हैं, तो उन्होंने आकर भगवान शंकर को समझाया कि तुमने जो व्रत कठिन लिया था वो तुम्हारा पूरा हो गया है। सती ने शरीर का त्याग कर दिया है, लेकिन अब उन्होंने पार्वती जी के रूप में जन्म ले लिया है। अब तुम उनसे विवाह कर सकते हो, क्योंकि पार्वती का चरित्र बहुत ही महान है। शिव जी ने कहा कि यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुन लीजिए कि जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। यद्यपि मैं पार्वती से विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं तो मैं अपने आराध्य की आज्ञा को कैसे टाल सकता हूँ। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ समझकर व्यक्ति को मान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भला ही होता है, बुरा नहीं होता है। इसलिए हे प्रभु, आपकी आज्ञा जो है वो मुझे शिरोधार्य है। ऐसा कहकर भगवान रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी ने भगवान का वही रूप अपने हृदय में धारण कर लिया। पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परिचाले गिरही प्रेरी पठियौ भवन दूरी करो संदेह सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तो उन्होंने सप्तऋषियों को बुलाया और कहा कि जाओ, आप पार्वती के पास जाओ और देखो कि क्या वो वास्तव में मुझसे प्रेम करती हैं, और अगर उनका सच्चा प्रेम दिखे तो तुम हिमाचल यानी कि पार्वती के पिता के पास जाना और कहना कि पार्वती को वो घर ले आए। ऋषियों ने पार्वती को जाकर देखा तो उनके रूप का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। जब सप्त ऋषि पार्वती के पास पहुंचे, ऋषि ने गोरी देखी तह कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। कि पार्वती कैसी दिख रही है, मूर्ति मान जैसे तपस्या हो, जड़ हो चुकी हैं, एक मूर्ति बन चुकी हैं। उन्होंने जाकर कहा कि हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो, तुम किसकी आराधना कर रही हो,
क्या चाहती हो? तब पार्वती ने कहा कि क्या करूं, मैंने मन में एक हठ कर लिया है कि मैं जो है बिना पंखों के उड़ना चाहती हूं, मैं भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हूं, क्योंकि मैंने मन से उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंसने लगे, कहते कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे जो पिता हैं वो तो वैसे ही जड़ हैं, पर्वत हैं, और तुमने भी उन्हीं की तरह नारद के कहे हुए वचनों को सत्य मान लिया। नारद जी ने आज तक किसी का भी भला नहीं किया, वो तो घर उजाड़ने का काम करते हैं। उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जो वापस घर लौट कर ही नहीं आए, और चित्रकेतु के घर को भी नारद जी ने ही बर्बाद कर दिया। कहते कि जो स्त्री और पुरुष नारद के वचनों पर विश्वास कर लेते हैं तो उनका घर जो है अवश्य नष्ट हो जाता है, इसमें भलाई नहीं है। और उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम जिसे पति बनाना चाहती हो वो तो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे वेश वाला है, उसने अपने शरीर पर सांपों को लपेट रखा है कि हे देवी, तुम किसके बहकावे में आ गई हो? पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती का विवाह किया था, तो देख लो उसका क्या हाल हुआ, शिवजी ने उसका त्याग कर दिया और फिर मरवा डाला। चाहे सती ने खुद योगाग्नि से जो है अपने शरीर को भस्म किया था, लेकिन सप्तऋषि समझा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करना जो अपनी पत्नी को त्याग दे, क्योंकि वो तपस्वी है, सन्यासी है, वैरागी है, उसे किसी से मोह नहीं है। फिर शिवजी के पास क्या है, वो तो मांग मांग कर खाते हैं, उनका कोई घर भी नहीं है। बताओ ऐसे व्यक्तियों के घर कोई स्त्रियां टिक सकती हैं? नहीं टिक सकती हैं। कहते कि हमारा कहना मानो, हम तुम्हें एक अच्छा वर बता रहे हैं। वो अच्छा वर किसे बताते हैं? भगवान विष्णु को। कहते हैं कि तुम जाओ और भगवान विष्णु से, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं और बैकुंठपुरी में रहते हैं, तुम उनसे विवाह कर लो। लेकिन पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जो दृढ़ निश्चय किया है मैं उसका पालन करूंगी। मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, अब चाहे मेरा घर बसे या उजड़े। कहते कि माना कि महादेव जी अवगुणों के खान हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो सद्गुणों के धाम हैं, क्योंकि एक बार व्यक्ति का जिसमें मन लग जाता है फिर लाख कोशिश करने पर भी उससे छूटता नहीं है। जैसे उद्धव जी जब गोपियों को समझाने गए कि तुम कृष्ण को छोड़ दो और ज्ञान में मन लगाओ, ब्रह्म में मन लगाओ, तो गोपियों ने क्या कहा था कि उधो मन नाही दस बीस, उधो मन नाही दस बीस, एक हु तो सो गयो श्याम संग को आरा दे, कि हमारा एक ही मन है, उस मन में हमने भगवान कृष्ण को बटा रखा है, अब बताओ हम ऐसा मन दूसरा कहां से लाएं जिससे तुम्हारे ब्रह्म की उपासना करें। पार्वती जी भी यही कह रही हैं कि हे मुनीश्वरो, अगर आप मुझे पहले मिलते तो मैं शायद आपका कहना मान लेती, लेकिन अब मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगी, मैंने हट कर रखा है, मैं अब अगर करूंगी तो विवाह भगवान शंकर से ही करूंगी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कवारी, कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो वो भगवान शंकर के लिए ही हुआ है, चाहे मुझे करोड़ों वर्ष लग जाए, अगर मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूंगी।
तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब सप्तऋषियों ने देखा कि जगत जननी माँ पार्वती पर हमारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है तो उन्होंने माता की जय जयकार की। उनके चरणों में शीश झुकाकर वो उनके पिता हिमाचल के पास चले गए और जाकर उन्होंने सारी कथा सुनाई कि तुम्हारी जो है बेटी वो तो साक्षात जगदम्बा है, आप उसे घर ले आइए, भगवान शंकर से उनका विवाह करवा दीजिए। उसी समय की बात है कि तारक नाम का एक असुर हुआ। उसी समय उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था, उसका प्रताप और तेज बहुत बड़ा था, उसने सारे लोगों को जीत लिया था। देवता लोग जो है वो सुख और संपत्ति से हीन हो गए थे, चारों तरफ हाहाकार हो गया था। तब ब्रह्मा जी ने सबको आकर समझाया कि इसकी मृत्यु तब होगी जब शिव जी के पुत्र होगा, लेकिन शिव जी के पुत्र कैसे होगा क्योंकि वो तो समाधि में लीन है, उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जाओ कि हिमाचल के पास जाके कहो कि वो पार्वती का विवाह भगवान शंकर से कहे करे, जब उनके पुत्र होगा तभी जो है इस असुर का संहार किया जा सकता है, क्योंकि माता पार्वती ने बहुत तप किया है। ते ही तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। कि माता ने शिव जी को पाने के लिए तप कर लिया है लेकिन भगवान शंकर अभी भी अपनी तपस्या में ही लीन है। तो तुम जाओ और हिमाचल को समझाओ और कामदेव को भेजो, जब तक कामदेव भगवान शंकर के मन में काम भाव उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक जो है उनकी समाधि नहीं टूटेगी, और जैसे ही समाधि टूटेगी तो हम सब उनसे प्रार्थना करेंगे, वो विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। देवताओं ने जाकर कामदेव को सारी अपनी कहानी सुनाई कि तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया है, चारों तरफ हाहाकार हो गया है, वो सबको मार रहा है, हमने अपने इंद्रलोक को त्याग दिया है, अब हम क्या करें, गुफाओं में कंदराओं में छुप कर रह रहे हैं, तुम जाओ जैसे भी हो उनकी तपस्या भंग करो। तो यूं कहकर सबको शीश नवाकर कामदेव जी जो हैं वो चल पड़े। उन्होंने कहा अब देवताओं का कार्य तो मुझे करना ही पड़ेगा। उन्होंने अपना प्रभाव चारों तरफ फैला दिया, पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। जहां देखो कामदेव का प्रभाव था, जड़ चेतन जितने भी जीव थे सब काम भाव से मोहित हो रहे थे, सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब नीच मनुष्यों की तो कौन कहे, लेकिन ये केवल दो घड़ी का तमाशा था। जब तक कामदेव भगवान शंकर के पास नहीं पहुंचे, जैसे ही भगवान शंकर के समक्ष पहुंचे तो वो कांपने लग गए, डरने लग गए, क्योंकि भगवान का प्रभाव ही ऐसा है, क्या करते। उन्होंने सोचा चलो घर वापस लौट जाता हूं, लेकिन लौटने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि उनको लज्जा हो रही थी कि अगर देवताओं का काम बनाए बिना मैं घर लौट जाऊंगा तो मेरी निंदा करेंगे लोग। इसलिए उन्होंने ये मन में निश्चय कर लिया कि अब मेरी मृत्यु तो निश्चित ही है, चाहे कुछ भी हो जाए अब मेरी मृत्यु होगी, मैं इस संसार में नहीं बचूंगा, लेकिन लोक कल्याण के लिए अगर अपना बलिदान देना पड़े तो व्यक्ति को हंसते हंसते दे देना चाहिए। तब कामदेव ने क्या किया, छाड़े विषम विसिख उर लागे,
छूटी समाधि शंभु तब जागे भयो इस मन क्षोभ विशेषी नैन उघारी सकल तिसी देखी। क्या किया उन्होंने, अपने काम के जो वान थे कितने, 5 वान, बहुत ही तीखे वान थे, वो छोड़ दिए कि भगवान शंकर की समाधि जो है वो टूट जाए। तो काम भाव एक ऐसा है जिस भी व्यक्ति के मन में आ जाता है वो बाकी सब कार्यों को छोड़ देता है, सात्विक वृत्तियों का त्याग कर देता है, ये यज्ञ धार्मिक कथाएं सब भूल जाते हैं। तपस्वी लोग जो है उनके मन में भी काम भावना अगर जाग जाए तो बहुत ही विनाश का कारण बन जाती है। ये भावना केवल विषय विकारी लोगों में होनी चाहिए, तपस्वी साधु संन्यासियों में नहीं। महादेव जी तो इनसे बहुत परे थे, उनके मन में ऐसी कामना नहीं थी, लेकिन जैसे ही कामदेव ने अपने ये वान छोड़े शिव जी के नेत्र खुल गए। अब देखो क्या हुआ, उनकी समाधि टूट गई, वे जाग गए। शिव जी के मन में बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति समाधि में लीन होता है अगर कोई उसकी समाधि तोड़ दे तो व्यक्ति को अपने कार्य में विघ्न होता देखकर वो दुखी हो जाता है कि मेरा भगवान राम के चरणों में स्नेह है, मैं उनकी समाधि लगाकर बैठा हुआ था, उनका ध्यान कर रहा था, ये किसने मेरा ध्यान भंग कर दिया। अब उनकी आंखें क्रोध से लाल पीली हो गई। तब उन्होंने चारों तरफ दृष्टि घुमाई कि कौन है जिसने जो है मेरी समाधि को भंग किया है। सौरभ पल्लव मदन विलोका भयउ कोप कंप उत्रैलोका तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरिछारा। उन्होंने भगवान यानी कि भगवान शंकर ने कामदेव को आम के पत्तों के पीछे देख लिया, वो छिपे हुए थे, उन्हें क्रोध आ गया, तीनों लोक कांपने लग गए। तब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्हें देखते ही कामदेव भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी डरपे सुर गए असुर सुरारी। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब देवता डर गए कि ये क्या हो गया, कामदेव तो भस्म हो गए हैं। लेकिन जो योगी लोग थे, साधु सन्यासी लोग थे, वो प्रसन्न हो गए कि अब जो है हम लोग सुखी हो गए हैं क्योंकि कामदेव नष्ट हो गया है। लेकिन कामदेव की पत्नी जो थी रति, वो बड़ी दुखी हुई। पति से वो बहुत प्रेम करती थी, वो अबला नारी रोती चिल्लाती करुणा के भाव करती हुई भगवान शंकर के पास पहुंची। अत्यंत प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगी। क्या? अति प्रेम करी विनती विवद विधि जोरी कर सन मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। कि हे प्रभु मेरी क्या गलती है, मेरे पति की क्या गलती है, उन्होंने तो देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए ही आपकी समाधि भंग की थी, आपने मुझे विधवा क्यों बना दिया, मेरे पति को क्यों मार दिया। जब वो प्रार्थना करने लगी तो भगवान बोले अब तेरति तब नाथ कर हो ये नाम अनंग बिनु वपु व्यापै सबई पुनी सुनु निज मिलन प्रसंग सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी गवौ सो दशरथ अजर बिहारी। कि हे रति तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब से तेरे पति का नाम अनंग होगा,
यानी कि अंग से रहित। क्या वो बिना शरीर के रहेंगे? वे बिना ही शरीर के सबको व्यापेंगे। पहले तो काम भाव को उत्पन्न करने के लिए कामदेव को बुलाना पड़ता था, वो वैसा वातावरण चारों तरफ उत्पन्न कर देता था, तब जाके व्यक्ति के मन में ये भावना जागृत होती थी। लेकिन अब से जो ये भाव बन गया, इसका कोई शरीर नहीं रहेगा, ये वैसे ही हर व्यक्ति के मन में होगा। जो विद्वान महान पुरुष होंगे वो इस पर नियंत्रण कर लेंगे, इसके वशीभूत नहीं होंगे। लेकिन जो सांसारिक भोग विलास में लीन प्राणी हैं, वो हमेशा इन्हीं में लगे रहेंगे। इसलिए हे देवी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम जो है अपने पति से मिलने की बात कर रही हो कि मेरा मिलन कब होगा, मैं अपने पति के दर्शन कब करूंगी, तो सुनो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही भारा, कृष्ण तने होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कि द्वापर युग के अंदर जब बहुत भारी राक्षस हो जाएंगे, जो दुनिया का संहार करने पर तुल जाएंगे, ये धरती माता इन दुष्टों के बोझ से त्राही त्राही करेगी, तब भगवान कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में। और उन कृष्ण के घर जो है, जो तुम्हारे पति हैं, वो पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उस पुत्र का नाम होगा प्रद्युम्न। तो मेरा जो ये वचन है वो झूठा नहीं है। तुम द्वापर युग तक प्रतीक्षा करो, जैसे ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, तुम्हारा पति जो है प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण के घर जन्म लेंगे, तब तुम उनसे मिल लेना। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा पर अब कयहु बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर, क्योंकि शिव जी की महानता को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, रति जो है उनको प्रणाम करके चली गई, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि मुझे इस अभी तो अपने पति के दर्शन नहीं होंगे, जब द्वापर युग में मेरे पति पुनर्जन्म लेंगे तभी मुझे उनके दर्शन हो पाएंगे। इसलिए वो भगवान को प्रणाम करके चली गई। लेकिन जब सभी देवी देवताओं को पता चला कि अब जो है भगवान शिव जी की समाधि भंग हो गई है, कामदेव जो है जलकर भस्म हो गए हैं, तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, हमें भगवान के पास जाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जाकर माँ पार्वती से विवाह कर ले। क्योंकि उनका कार्य तो तभी संपन्न होगा जब तक भगवान शंकर का विवाह नहीं। तो नमस्कार, आज की जो कथा है हम यही पूरी करते हैं। अब कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती से होता है, किस प्रकार की बारात वो लेकर आते हैं, नगर निवासियों का क्या हाल होता है, माता मैना जो है वो क्या करती है, वो कल के एपिसोड में आपको बताएंगे। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो सियावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो।